ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा अष्टमी में संस्कृत विषय में दूसरी पाठ का अध्ययन चल रहा है, पहले से ही उसका अध्ययन हम करेंगे। पीछे हमने देखा था कि धतिपुच्छ नाम का जो सियार है वो गुफा की तरफ आता है और वहां पर उसको शेर के पैरों के पदचिन्ह उसको मिलते हैं और उनको देखकर वह रुक जाता है कि हो सकता है अंदर खतरा हो, उसका पता कैसे लगाया जाए। तो उसने अपने दिमाग से काम लिया और कहा गुफा को कि हे गुफा, तुम्हारे साथ मेरी शर्त लगी थी कि जब तुम बुलाओगे तब मैं आऊंगा, अगर तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा में अर्थात पेड़ में चला जाऊंगा। जब ये बात अंदर बैठे शेर ने सुनी तो उसने सोचा कि निश्चित ही गुफा अपने स्वामी को बुलाती होगी, लेकिन हो सकता है मैं यहां हूं और मेरे डर के कारण ये गुफा की गुफा नहीं बोल रही होगी, इसकी आवाज नहीं निकल रही होगी, ये मेरे से डर गई होगी इसलिए अपने स्वामी को नहीं बुला रही है। और अगर ऐसा हुआ तो हाथ आया भोजन मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो क्योंकि ऐसा भी होता है गुफा नहीं बुला रही है, इसका मतलब ऐसा भी होता है कि भय संत्रस्त मनसा, भय से संत्रस्त मानी डरे, भय मानी भय से संत्रस्त मानी डरे हुए, मनसाम मानी मन वालों की, हस्त पादादिक क्रिया हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं, जब कोई डरता है भय से डर जाता है तो भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैरों की संबंधित जो क्रियाएं हैं और वाणी, वाणी में प्रवर्तते और वाणी उसकी प्रवृत्त नहीं होती। जब कोई डर जाता है तो भय से भय मन में व्याप्त होने पर उसकी हाथ पैरों की जो क्रियाएं होती है वो निष्क्रिय हो जाती है और उसकी आवाज भी नहीं निकल पाती है, है? संबंधित क्रियाएं वाणी प्रवृत्त नहीं होती है और व्यपुत्र अधिको भवे, और ऐसी स्थिति में व्यपुत्र माने कंपन, ऐसी जब स्थिति पैदा होती है तो व्यपुत्र माने कंपन अधिको भवे अधिक हो जाता है, इसलिए हो सकता है गुफा के साथ भी ऐसा हो रहा हो। तो तद अहम तो मैं, तद मानी तो अहमानी मैं अस्य इसको आवाहनम बुलाता हूं, आवाहनम करो भी बुलाता हूं। तो शेर ने सोचा कि मैं इसको बुलाता हूं क्योंकि गुफा तो डर गई है और इसकी क्रियाएं काम नहीं कर रही है, तो फिर मैं इसको बुलाता हूं। एवं सह बिले प्रविश्य, इस प्रकार मैं इसको बुलाता हूं, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करेगा। एवं इस प्रकार सह बिले बिल में प्रविश्य प्रवेश करके मैं मेरा भोज्यम भोजन भविष्यति बन जाएगा। इस प्रकार मैं इसको बुलाता हूं जिससे वो बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचारी, इत्थम माने इस प्रकार, विचारिये विचार करके, सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रृगालस्य सियार का आवाहनम अकरोत्, आवाहन किया या बुलाया। इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक सियार को बुलाया, सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृगालम आ गया। सिंह से उच्च गर्जना, शेर की ऊंची गर्जना, ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनिना गूंज से, शेर की ऊंची गर्जन की गूंज से सा गुहा उस गुफा ने उच्चे श्रृगालम आकर जोर से श्रृगाल को पुकारा, उच्चे श्रृगालम आकर जोर से श्रृगाल को पुकारा, अनेन अन्य भी पशु भयभीता हर हो, इतने जोर से पुकारा जिससे अनेन माने से अन्य भी दूसरे भी पशु भयभीता भवन भयभीत हो गए, क्योंकि शेर की धार तेज होती है और गुफा में जब शेर धारता है तो उसकी
जो टकरा कर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो और भी ऊंची आवाज में होती है, इसलिए ऐसी आवाज आई कि दूसरे पशु भी उससे भयभीत हो गए। श्रृगाले मित्रतः दूरं प्लायमान इमं पठन्ति। जब इस प्रकार की आवाज आई तो वो धनी कुछ नाम का जो सियार था उसके समझ में आ गई बात कि क्या कहानी है। और फिर श्रृगालों की सियार ने भी श्रृगालों की सियार ने भी तथा माने उससे दूर प्लायमान दूर दौड़ते हुए दूर भागते हुए इमं पठन्ति ये पठन्ति। और जब सियार के समझ में आ गई तो श्रृगाल ने भी सियार ने भी दूर भागते हुए ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि अनागतम ये कुरुते सोबते, अनागतम मानी जो व्यक्ति, यह मानी जो व्यक्ति, यह मानी जो व्यक्ति, अनागतम मानी न आए हुए संकट का, अनागतम जो अभी आया नहीं है आने वाला, अनागतम जो न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है। अनागतम ये कुरुते, यह मानी जो व्यक्ति, अनागतम मानी नहीं आए हुए संकट का कुरुते मानी करता है अर्थात प्रतिकार करता है, सह सोभते वह शोभा पाता है। जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है। और आगे कह रहा है कि सह सोचते योने करोति अनागतम, अनागतम वाली जो न आए हुए, और जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार न करोति नहीं करता, जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार नहीं करता है से सोचते वह चिंतनीय है, वह क्या है चिंतनीय है। इसमें दो बातें दे लो, पहली बात बताई जा रही थी कि जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है, जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, और जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय है। तो सह सोचते योने करोति अनागतम, जो न आए जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार न करोति नहीं करता है सह सोचते वह चिंतनीय है। और आगे कह रहा है कि वने अत्र संस्कृत वने अत्र, इस वन में यहां वन में, अत्र मानी यहां वने मानी वन में, संस्कृत मानी रहते हुए, यहां वन में रहते हुए समागत है जरा, मुझे बुढ़ापा आ गया, समागत है मानी आ गया, जरा मानी बुढ़ापा, इस यहां वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, मेरी वृद्धावस्था आ गई, लेकिन बिलस्य वाणी ने कदापि नहीं सुनता, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंदर शेर है, क्योंकि यहां मन में रहते हुए मुझे आज बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन आज तक मैंने दिल में कभी भी दिल की वाणी कभी नहीं सुनी, इसलिए यह निश्चय हो गया कि गुफा के अंदर शेर है। यही हमारे पाठ का शीर्षक था कि बिलस्य वाणी ने कदापि नहीं सुनता, बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। इसलिए इस पाठ से भी ये शिक्षा मिलती है कि संकट के समय धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए, ताकि शेर उस दधिपुच्छ नामक सियार की तरह बचा जा सके। ये पाठ आपका यही संपन्न होता है, आगे प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होगा इस पाठ का, वो आप अगली वीडियो में देख पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।